हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम बेस्ट होंगे। भाई अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो ऑल न्यू टाटा योद्धा 2.0 की BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल के साथ जो मॉडल है ना, BS6 की अपडेटेड मॉडल यहाँ लगी है। और भाई आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे, कंप्लीट फीचर्स बताएंगे कि कौन कौन से बेस्ट फीचर्स मिलते हैं। और इस गाड़ी में ना, अब इस गाड़ी में आपको यूरिया लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें DF लेबल एकदम खत्म कर दिया गया। दूसरा, इसमें भाई माइलेज को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी बटन आ गया है। और इसके साथ साथ इसका जो बॉडी है, क्या थिकनेस है, पेलोड कैपेसिटी कितना है, बहुत कुछ आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इससे पहले भाई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो आप, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और आज ये वीडियो देख कर जाना। अगर ये वीडियो देखेंगे तो टाटा योद्धा 2.0 से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जस्ट जानने से पहले इसका डायमेंशन जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो गाड़ी का चौड़ाई देख रहे हो, ये आपको मिलता है 1860 mm के आसपास। आपको यहाँ पे इसका फुली विड्थ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे फ्रंट में क्रोम का ट्रीटमेंट है, टाटा का बेजिंग यहाँ पे मिलता है, रिफ्लेक्टर आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्कीड प्लेट आपको सिल्वर कलर में मिलता है। बाइक की लाइटिंग सेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिलता है हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको लाइटिंग मिलेगा। बाकी टर्न इंडिकेटर आप बल्ब में देख सकते हो और नीचे में पायलट लैंप मिलेगा। और पता है कमर्शियल गाड़ी में एक चीज मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टर टेप इन लोग यूज करते हैं, ये बहुत सही होता है। अगर बंदा कहीं रात में गाड़ी को पार्क किया रोड के किनारे, तो दूसरे गाड़ी का जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ये बता देगा कि भाई वहां पे कोई गाड़ी लगा हुआ है। इसके साथ साथ नीचे फॉग लाइट का ऑप्शन मिलता है, बट आप आफ्टर मार्केट इसमें लगा सकते हो, कंपनी की तरफ से नहीं आता है। और इस गाड़ी में सबसे बेस्ट फीचर्स और क्या ना, आपको भाई सर्विस जब कराते हो तो इंजन ऑयल और सारी गाड़ियों में कमर्शियल में क्या होता है कि 10,000 किलोमीटर पर चेंज करना होता है, लेकिन टाटा योद्धा 2.0 लो या 1700 लो या फिर 1.2 लो, अब BS6 की गाड़ियों में आपको 20,000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज करना है, हो गया। अब आइए देखते हैं इस गाड़ी का लेंथ। भाई इस गाड़ी का जो लेंथ आपको मिलता है वो मिलता है 5350 mm का। यहाँ पे आपको 5350 mm का आपको लेंथ मिलता है। और अब आपको मैं बताता हूं यहां पे ग्राउंड क्लीयरेंस कि आप इस गाड़ी को क्या सिर्फ हाईवे में ही चलाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, आप भाई इस गाड़ी को लेकर कहीं जंगल उंगल कहीं भी चले जाओगे। और ऐसे भी आपको पता है इंडिया का रोड किस टाइप का है, तो उसको देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे नीचे 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखा है। भाई बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इस गाड़ी की टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको कंपनी MRF का टायर ऑफर करती है। इसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 16 inch के आपको यहाँ पे इसके प्रोफाइल मिलते हैं, बाकी यहाँ पे 215x75 R16 में इसके प्रोफाइल मिलते हैं। फ्रंट में आपको इस गाड़ी में डिस्क मिलता है और इसके साथ साथ इसका जो रियर है ना, वो ड्रम के साथ मिलता है। और रोड एक्सीडेंट भी इंडिया में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे साइड में ये जो मेटल दिया है ना, ये भी चीज बहुत अच्छा दिया। होगा क्या कि भाई अभी के लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी को ऐसे ऐसे जिगजैग चलाते हैं, तो उस टाइप होगा कि गाड़ी घुस गया, अब लोग बोलेंगे कि भाई ड्राइवर का गलती है। तो इस चीज को देखते हुए टाटा ने क्या किया कि भाई हमारा ड्राइवर का कभी गलती नहीं हो सकता, यहाँ पे अब लोग जाएगा ही नहीं, गाड़ी घुसेगा ही नहीं, इस चीज को काफी ज्यादा सेफ्टी के साथ किया है। यहाँ पे फुटरेस्ट की बात कर ले तो फुली मेटल के साथ मिलता है। और वहीं आते हैं इसकी पेलोड कैपेसिटी की, क्योंकि अगर आप कमर्शियल गाड़ी लेते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हो कि भाई मैं गाड़ी लूंगा तो मैं कितना केजी इसमें वेट लोड कर सकता हूं, क्योंकि आप जितना केजी वेट लोड करोगे पैसा उतना ज्यादा कमाओगे, और जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ही तो भाई गाड़ी चलाने में मजा आएगा। तो इस गाड़ी का जो पेलोड कैपेसिटी है वो कंपनी क्लेम करता है 2000 kg। और जब 2000 kg कंपनी क्लेम करता है ना, तो ड्राइवर इसको और ज्यादा, ये बताइए कि गाड़ी पास होता है 5+1, 5 passenger 1 ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर पैसा कमाने के चलते वो 6-7 लोगों को भी बैठा लेता है। ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन भाई अब ड्राइवर भी क्या करेगा, उतने में तो काम चलेगा नहीं, 2000 kg में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसका माइलेज भी आपको मैं बताऊंगा। उस माइलेज के अकॉर्डिंग इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, ड्राइवर हंसी खुशी से आपको इस गाड़ी में 3000 kg आराम से लोड कर लेता है। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है, इसका जो कार्गो बॉडी का ओवरऑल लेंथ जो है वो आपको मिलता है 8.7 feet का, 8.7 feet का इसका लंबाई मिलता है। और वहीं आते हैं इसके पीछे साइड से, यहाँ पे देखो ये जो चौड़ाई देखो ना भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे आपको मिलता है इसमें 6 feet का चौड़ाई मिलता है, 6 feet का चौड़ाई हो गया, 8.7 feet का इसका लंबाई हो गया। और यहाँ पे आप 2000 kg का कंपनी की तरफ से पास है लोड, लेकिन आप 3000 kg आराम से लोड कर सकते हो। अब यहाँ पे लोड करने के बाद भाई ऐसा तो नहीं है ना, होता क्या है कि आप
जबरदस्ती लोड कर दिए 5 टन, अब 5 टन लोड कर लिए तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को सस्पेंशन भी देना पड़ेगा तगड़ा वाला। तो यहाँ पे कंपनी दिया है भाई, अगर आप टाटा की गाड़ी लेते हो तो कोई भी चीज का कमी नहीं मिलेगा, सब चीज आपको फुल मिलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो रियर में लीफ स्प्रिंग का 9 कमानी पट्टे के साथ सस्पेंशन मिलता है, 9 कमानी पट्टे के साथ सस्पेंशन मिलता है। और वहीं फ्रंट की बात कर ले तो अभी मैं आपको आगे चलूंगा तो दिखाऊंगा 6 कमानी पट्टे के साथ सस्पेंशन मिलता है। और इसके साथ साथ अभी तक के सेगमेंट में सबसे ज्यादा एमएम, सबसे ज्यादा थिकनेस वाली जो इसकी चेसी है ना, वो आपको मिलती है 3 mm की भाई। और सारी अगर कॉमर्शियल गाड़ी की बात करें तो 3 mm सेगमेंट में कोई नहीं मिलता है, लेकिन इसका ये जो चेसी देख रहे हो ये आपको 3 mm के चौड़ाई के साथ आपको इसका चेसी देखने को मिलेगा। सिंगल क्रेडिबल में आपको इसका चेसी मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी कंपनी MRF का टायर ऑफर करती है जो कि 16 इंच के साथ मिलेगा, ड्रम ब्रेक के साथ मिलता है, डिस्क नहीं मिलता है, डिस्क आपको फ्रंट में मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पीछे साइड से अगर आ जाओगे तो एक कंपनी एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी देती है, हो सके कहीं गाड़ी आपका पंचर हो गया, कहीं कोई दिक्कत हो गया टायर में, तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी की ना, तो यहाँ पे आपको टाटा योथा 2.2 में भाई 30% ग्रेडेबिलिटी मिलता है। ग्रेडेबिलिटी मतलब समझते हो, अगर कोई अचानक से खड़ा चढ़ाई आ गया तो वहां पे इस गाड़ी का कितना क्षमता है कि आप इस गाड़ी को चढ़ा सकते हो, तो भाई 30% आपको इस गाड़ी का ग्रेडेबिलिटी मिलता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का अगर मैं बात करूं माइलेज का ना, तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 12 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, लेकिन ड्राइवर का जैसा कहना है ना भाई, ये गाड़ी अगर वो पेलोड कैपेसिटी के साथ चलाते हैं, मतलब गाड़ी को पूरा फुल लोड करके चलाते हैं, तो उनका गाड़ी आराम से 13, 12, 13, 14 किलोमीटर पर, मतलब 12 से 14 के बीच में आसानी से माइलेज देता है। और हाँ, एक और चीज़ इस गाड़ी में प्लस पॉइंट क्या है, इकोनॉमी मोड है। अब इकोनॉमी मोड क्या होता है इस गाड़ी में, ड्राइवर के पास अभी मैं आपको इंटीरियर में चलूंगा तो दिखाऊंगा, एक बटन है, अगर आप उस गाड़ी में बटन को दबा देते हो, पुश कर लेते हो, ऑन कर लेते हो, तो आपका माइलेज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आप कहीं से इस गाड़ी को अनलोड करके आ रहे हो, खाली करके आ रहे हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा नॉर्मल मोड में चलाओगे, इकोनॉमी मोड में चलाओगे, वहां पे उस चीज को यूज करते हो, तो आपका गाड़ी 16 टू 17 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी का इंजन क्या कैसा है। तो इंजन से पहले तो मैं आपको इंजन हुड्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो इंजन हुड्स है ना, वो भी काफी लाइट वेट का इंजन हुड्स है। और इसके साथ साथ एक चीज भाई यहाँ पे आप देखोगे तो एक्साइड का बैटरी मिलता है। इसके साथ साथ आपको इसका इंजन में भाई बहुत ही तगड़ा पावर मिलता है। क्या है पावर, 100 HP का मैक्सिमम पावर मिलता है जो कि 3750 RPM पे वर्क करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे टॉर्क की बात करें तो 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है जो कि 1000 से 2500 RPM तक वर्क करता है। इसके साथ साथ भाई यहाँ पे टाटा का कंपनी 2.2 लीटर का वेरिकोर टाइप का इंटरकूल्ड आपको टर्बो चार BS6 का DI इंजन यूज करता है। भाई ये चीज भी बेस्ट है इसमें। यहाँ पे देखोगे एक्साइड का बैटरी मिलता है, ये देखो यहाँ पे सिलेंडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये चीज कहीं ना कहीं बेस्ट लगा इस गाड़ी में। इसके साथ साथ आपको मैं इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ। तो फ्रंट लुक आप ये जो यहाँ से देखोगे ना, ये जो भाई फुल्ली एरोडायनेमिक है। अब ये एरोडायनेमिक में क्या होता है, यहाँ पे आपको स्मार्ट वाइपर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ शार्क फिन एंटीना बोले तो एकदम छोटा सा मिलता है। एरोडायनेमिक मीन्स होता क्या है कि अगर आपका गाड़ी ये एरोडायनेमिक होगा तो जब आप रोड पे गाड़ी को चलाओगे तो हवा का जो प्रेशर है ना, वो इस तरीके से आएगा और उठ के चला जाएगा, तो उसमें आपका माइलेज इंक्रीज होता है। और वही चीज अगर आप बॉक्सी में लेके चलते हो तो आपका हवा का प्रेशर और गाड़ी का प्रेशर जब दोनों टकराएगा तो वहां पे एक टाइम गैप होता है। ये चीज आप फिजिक्स में पढ़े होगे, तो जब टाइम गैप होगा तो कहीं ना कहीं स्पीड भी कम होगा, और जब स्पीड कम होगा तो इंजन पे लोड पड़ेगा, और जब इंजन पे लोड पड़ेगा तो इसका माइलेज भी कम होगा। तो ये चीज इस गाड़ी में जब कंपनी वाले क्या करते हैं ना, जब बॉडी को डिजाइन करते हैं ना, तो उस समय बड़ा सोच समझ के करते हैं कि गाड़ी को किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि हमारा गाड़ी रोड प्रेजेंस अच्छा करे, माइलेज अच्छा दे, और चलाने में ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं हो। तो भाई चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में बैठते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सा बेस्ट फीचर ये गाड़ी में मिलता है। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो डोर, इसका ये जो आप यहाँ पे डोर देखोगे ये आपको फुली फाइबर बॉडी के साथ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कंपनी लेदर वाला थोड़ा सा फिनिशिंग दे दिया है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको विंडोज को कंट्रोल करने के लिए मिलता है, पावर विंडोज नहीं मिलता है इस सेगमेंट में, अनलॉक करने के लिए आपको नॉर्मल सा मिलता है, और एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ गाड़ी पे बैठने के लिए फुट स्टेप जो है ना, वो आपको फुली मेटल का मिलता है, और यही पे इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है। जनरली आप देखते होगे गाड़ी में यहाँ पे हैंड ब्रेक होता है, लेकिन ये कमर्शियल गाड़ी में आपको हैंड ब्रेक यहीं पे मिल जाता है। तो ये चीज भी बेस्ट होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे आप है ना आराम से लेट सकते हो। जब यहाँ पे होता तो आप लेट नहीं सकते थे, तो कहीं ड्राइवर अगर चाहे आराम करना तो वो इस गाड़ी में आराम से रुक के कहीं भी आराम से 1-2 घंटे
रेस्ट ले सकता है। इसके साथ साथ आइए चलिए बैठते हैं इसके इंटीरियर में। तो भाई यहाँ पे बैठने के बाद ये देखिए इसकी जो सीट की कुशन है ना, ये जो सीट की कुशन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और इसके साथ साथ ये एडजस्टेबल सीट मिलता है, यहाँ पे देख रहे हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग इस गाड़ी के सीट को एडजस्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे आपको ये सारा चीज़, यहाँ पे सबसे पहले भाई सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको एक सीट बेल्ट भी मिलता है, वो तो कंपलसरी है मिलना। इसके साथ साथ बात करते हैं अब इसके मीटर कंसोल पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये गाड़ी में मिल जाता है आपको फुली किलोमीटर आपको एनालॉग में मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो ये फ्यूल गेज मिलता है, इसके साथ साथ टाइमिंग मिलेगा, ऊपर में हजार्ड लाइट का ऑप्शन देख रहे होगे, यहाँ पे बैटरी का मिलता है, इंजन मालवेयर फंक्शन मिलता है, आरपीएम लिमिट मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रिप ए हो गया, इसके साथ साथ आपको ट्रिप बी हो गया, और यहाँ पे ऑडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं भाई इसके इंटीरियर पे सबसे बेस्ट फीचर्स क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो क्लच देखोगे, ये जो नीचे आप यहाँ पे क्लच देख रहे हो, ये आपको मिलता है सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप का क्लच मिलता है, जिसके डायमीटर की बात करें तो 260 mm की दिया का आपको यहाँ पे कंपनी यूज करते हैं। इसके साथ साथ भाई यहाँ पे स्टीयरिंग आप एक बार देखो, स्टीयरिंग ये जो गाड़ी का है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, बीच में टाटा का बेजिंग मिल जाता है, हॉर्न आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ इसकी गियर की, तो यहाँ पे इसका जो गियर एडवाइजर है वो आपको सिंक्रोमस टाइप का गियर मिलता है, जो कि 5 स्पीड के साथ गियर मिलता है और एक रिवर्स का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एयर का भी ब्लोअर्स टाइप से यहाँ पे मिल जाता है, ये चीज़ देखोगे यहाँ पे ब्लोअर मिल जाता है। तो है क्या कि आप गाड़ी को ड्राइव करते करते ये चीज़ का भाई मज़ा ले सकते हो। यहाँ से हजार्ड लाइट है, फिलहाल अब इसको बंद करते हैं, और अगर आप चाहो इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाना तो म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हो। बाकी डैशबोर्ड देखोगे तो काफ़ी बड़ा, नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है डैशबोर्ड आप यहाँ पे देखोगे। बाकी एयर का वेंटिलेशन आपको यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, और हाँ अभी मैं बात कर रहा था इकोनॉमी मोड का, तो आप इस चीज़ को जब आप ऑन करके चलाओगे तो आपका जो माइलेज है वो ऑन एन एवरेज माइलेज जो कि कंपनी क्लेम करती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा देने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्लोव बॉक्स देखोगे तो भाई ये ग्लोव बॉक्स अभी फिलहाल लॉक है, तो इसको मैं यहाँ से ओपन खोलता हूँ। खोलने के लिए ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए भाई इसका जो ग्लोव बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिलता है, यहाँ पे आप अपना सामान, जरूरी का सामान रख के लॉक कर सकते हो। जैसे होगा क्या कि अगर आप कहीं मार्केट में गाड़ी को लगाए तो सामान वामान चोरी होने से बचने के लिए आप इसको लॉक कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो एक USB चार्जिंग सॉकेट भी आपको नीचे में देखने को मिलेगा, ब्लोअर का स्पीड आप यहाँ से कम कर सकते हो, वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको सारे चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दोबारा से इसका की लगा कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो इसका मीटर कंसोल, इसके साथ साथ अभी इसका वाइपर, ये देखो इसका वाइपर्स आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिलता है, और बाकी हेडलाइट का लाइट जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। अब आपको एक बार इसका फुली बॉडी यहाँ से इंटीरियर का दिखाता है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे सीट देखो आप, सीट का जो कुशन है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, यानी होगा क्या, और जो गियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको थोड़ा सा इस साइड से हट के मिलेगा, यानी अगर ड्राइवर चाहे यहाँ पर रेस्ट करना तो वो रेस्ट कर सकता है। सीट क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है, पावर स्टीयरिंग साथ मिलता है, IRVM की बात कर ले तो यहाँ पे आपको डे नाइट रनिंग IRVM मिलता है, ऊपर में एक लाइट देखने को मिलता है, और यहीं पे मैं बात करता हूँ इसके वाइजर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, इसके साथ साथ ग्रैब हैंडल मिलेगा, दोनों ही साइड ग्रैब हैंडल मिलता है, और यहाँ पे इसके डैशबोर्ड के पास देखोगे तो कुछ सामान रखने के लिए अपना चार्जर वार्जर, फोन वोन, आराम से कुछ सिक्के पैसे, खाने पीने का सामान आप यहाँ पे रख के अपने डिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल बना सकते हो। और कार्गो बॉडी की मैं बात कर लूँ तो एक बार चलो मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, इसका जो कार्गो बॉडी है वो आप यहाँ पे देखोगे टोटल 2000 पेलोड कैपेसिटी के साथ मिलता है, 8.7 फीट की इसकी टोटल लंबाई मिलती है, और ये जो चौड़ाई है ये आपको 6 फीट की मिलती है। बात करते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की, अब आप अगर खरीदना चाहते हो ये टाटा योद्धा 2.0 को तो आप कैसे खरीद सकते हो, आपको कहाँ पे मिलेगी, तो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो आप अपने नियरेस्ट डीलर पास जाना, और ये गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है ना 10,45,000 रुपए के आसपास इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है। और हाँ अगर आप अभी इस गाड़ी को खरीदते हो तो आपको कंपनी की तरफ से टोटल 45,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा, यानी इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस हो जाएगा वो लगभग 10,00,000 के आसपास मिलेगा। 10,00,000 का आप ये गाड़ी खरीदो और महीने का 50,000-60,000 मतलब महीने का आसानी से कमा सकते हो, क्योंकि भाई इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 2000 kg का पेलोड कैपेसिटी है, और दूसरा चीज़
कम खर्चों में आप इस गाड़ी को चला सकते हो। कम खर्चों में बोलने का सेंस कि वारंटी, वारंटी कितना है, 3 लाख किलोमीटर का वारंटी प्लस 3 साल का वारंटी। 3 साल तक रगड़ के गाड़ी चलाओ, 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाओ, कुछ भी खराब होगा तो कंपनी समझेगा अपना। ये चीज भी बेस्ट है। इसके साथ साथ सर्विसिंग कराने जाते हो तो 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको इसका इंजन ऑयल चेंज करना है। तो ये था भाई वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फटाफट अपने नियरेस्ट डीलर में जाइए और 45,000 का कैश डिस्काउंट लेना नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।